हेलो, गुड आफ्टरनून क्लास 10th। हाउ आर यू ऑल? आप सभी अच्छे होंगे उम्मीद करते हैं। अभी हम लोग ये क्वांटिटी पॉलीनोमियल से स्टार्ट किए हैं। अभी जैसा कि आपको पता है कि अभी आपका डेट शीट आ गया है, तो उसके अकॉर्डिंग अपने को प्लान करके डेली एक चैप्टर का हम लोग यहाँ पे रिविजन करेंगे। और जिन्होंने भी नहीं पढ़ा है शुरू से अच्छे से, तो अभी आपके पास एक मौका होगा, आप यहाँ से आराम से क्या कर सकते हैं कि पढ़ सकते हैं। तो मैं बिना टाइम वेस्ट करें मैं स्टार्ट करता हूँ। अभी हम पढ़ेंगे पॉलीनोमियल्स में कुछ बेसिक बात। और अभी हमने पढ़ा यहाँ पे क्वाड्रेटिक का आपका एक चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो हम इसको पहले देखेंगे। यहाँ पे अगर मैं स्टार्ट करने जाऊं तो सबसे पहले पॉलीनोमियल क्या होता है, पहले मैंने ये समझाया आपको। ये पॉलीनोमियल जैसे कि एक एक्सप्रेशन लिखा होगा, है ना, और एक्सप्रेशन कुछ इस फॉर्म का होता है, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यू प्लस एंड सो ऑन अप टू एन एक्स का पावर एन अप टू तक, ठीक है। जहां पे ये ए जो होना चाहिए, हम जो भी पॉलीनोमियल लिखेंगे उसमें एक लीडिंग कोफिशिएंट होता है, जो हाईएस्ट कोफिशिएंट होता है वो हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, इसी को हम लोग पॉलीनोमियल कहते हैं। और ये सारा का सारा पॉलीनोमियल अगर हमारा एक्स में है तो हम इसको पॉलीनोमियल इन वेरिएबल एक्स कहते हैं। ये एक बेसिक्स बात है, आपको ये समझ करके रखना है। और यहाँ पे ये डिग्री है, है ना, पॉलीनोमियल का जो हाईएस्ट पावर होता है उसको हम लोग डिग्री कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे भी लिखा हुआ है ये ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री, है ना, अप टू एंड सो ऑन करते हुए जो ए एन होता है, ये सभी के सभी हमारा कोई ना कोई रियल नंबर होता है। ये क्या है, कैसे है, ये अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे जितने भी टर्म्स है, कोई भी टर्म ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें एक्स का पावर हमारा कोई नेगेटिव टर्म आ जाए। मतलब नेगेटिव कहने का क्या मतलब हुआ, मैं अभी वो समझाता हूँ। ये नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब ये हुआ कि कभी भी ये पावर एक्स का पावर ऐसे 1/2, मतलब कोई फ्रैक्शनल पावर नहीं होना चाहिए, जैसे एक्स का पावर ऐसे 3/2 हुआ, ये नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, जैसे अगर हम रूट के अंदर एक्स लिखते हैं, आपको पता है इसका मतलब हुआ एक्स का पावर 1/2, तो कुछ इस तरीके से हमारा फॉर्म नहीं होना चाहिए। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, जैसे अगर ये 2/x ऐसे 2 लिखा हुआ, तो इसका ये मतलब हुआ कि जब हम इसको ऊपर की तरफ लिखते हैं तो हम 2 × x ऐसे -2 लिखेंगे, तो ये जो पावर है यहाँ पे ये माइनस का नहीं होना चाहिए। तो यही वो समझा रहा है कि जितना भी एक्स होना चाहिए ना, उसका पावर कभी भी, मतलब एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब दैट इज पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा एक बेसिक चीज है, तो पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लें, ठीक है। फिर अभी हम लोग बेसिक क्वेश्चन पढ़ेंगे और बेसिक हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है। चलो, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो जैसे हमारा पॉलीनोमियल होता है, ये पॉलीनोमियल आपको अगर जैसे यहां पे हमने पॉलीनोमियल लिखा ए एक्स प्लस बी, ठीक है, एक हमने पॉलीनोमियल लिखा यहां पे ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। नेक्स्ट पॉलीनोमियल से अगर लिखने जाओ ए एक्स का क्यूब प्लस में बी एक्स का स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी। और यहां से अगर मैं लिखने जाऊं एक्स का पावर 4 प्लस में बी एक्स का क्यूब प्लस में सी एक्स का स्क्वायर प्लस में डी एक्स और प्लस में ई, ठीक है। अगर आप इसको देखोगे तो ये हमारा पॉलीनोमियल जो है, यहाँ पे पावर कितना दिख रहा है आपको 1, यहाँ पे हाईएस्ट पावर आपको कितना दिख रहा है 2, यहाँ पे हाईएस्ट पावर आपको कितना दिख रहा है 3, यहाँ पे हाईएस्ट पावर आपको 4 दिखाई दे रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे ये पॉलीनोमियल है ना, पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री 1, ठीक है। इसका हाईएस्ट पावर आपको कितना दिखाई दे रहा है 1, तो ये पॉलीनोमियल है जिसका डिग्री 1 है। यहाँ पे अगर मैं बात करने जाऊं तो ये पॉलीनोमियल है ऑफ डिग्री कितना, ये डिग्री हमारा सेकेंड डिग्री का पॉलीनोमियल, यहाँ पे इसका हाईएस्ट पावर आपको दिखाई दे रहा है ना 3, तो हम इसको बोलेंगे पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री 3, ठीक है। ये पॉलीनोमियल है ना 3 डिग्री का है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर आपको दिखाई दे रहा है वो कितना दिखाई दे रहा है, तो पॉलीनोमियल्स ऑफ डिग्री कितना, पॉलीनोमियल्स ऑफ डिग्री 4, डिग्री 4, यहाँ पे हाईएस्ट पावर आपको 4 दिखाई दे रहा है। तो 4 पावर का यहाँ पे अगर कोई पॉलीनोमियल होगा तो उसका हम डिग्री 4 मानेंगे। इसी पॉलीनोमियल को हम लोग लीनियर पॉलीनोमियल कहते हैं, है ना, ये हमारा लीनियर पॉलीनोमियल कहलाता है, ठीक है। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल कहलाता है,
है ना, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, ये हमारे पास क्यूबिक पॉलीनोमियल है, ये क्यूबिक पॉलीनोमियल है, और ये हमारे पास इसको क्वार्टिक पॉलीनोमियल बोलते हैं, क्वार्टिक पॉलीनोमियल, ये हमारे पास क्वार्टिक पॉलीनोमियल है। तो ये यहां तक तो मतलब मैक्स है, फोर पावर से ज्यादा नहीं आपकी क्लास में, ठीक है। इसके अलावा कोई भी आता है तो आप उसको पॉलीनोमियल्स बोल देंगे, है ना, यहां से अपना काम हो जाएगा। यहां पर मैं क्या सीखा कि जब भी कोई एक्सप्रेशन लिखा होगा तो उस एक्सप्रेशन में यहां पे आपको पावर दिखाई दे रहा है, हाईएस्ट पावर वन है, तो यहां पे ये जो पावर है ये वन होने की वजह से इसका डिग्री हम लोग वन बोलेंगे, जो हाईएस्ट पावर होता है इसको हम डिग्री कहते हैं। यहाँ पे हाईएस्ट पावर आपको टू दिखाई दे रहा है, यहाँ पे वन है, यहाँ पे एक्स का पावर जीरो है, ये कैसे है वो भी मैं बात करूंगा, ठीक है। तो दो पावर दिखाई दे रहा है, इसका डिग्री आपको दो बोलना है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर थ्री इसका डिग्री थ्री बोल रहा है, और यहाँ पे हाईएस्ट पावर आपको फोर दिखाई दे रहा है इसका डिग्री आपको फोर बोल रहा है। इसी तरीके से अगर पावर वन है तो इसका नाम लीनियर पॉलीनोमियल होता है, अगर पावर टू है तो इसका क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, अगर पावर थ्री है तो इसका क्यूबिक पॉलीनोमियल, और अगर पावर फोर है तो इसको हम लोग क्वार्टिक पॉलीनोमियल्स बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक भी बोल सकते हैं, लेकिन आप इसको ध्यान रखेंगे ये क्वार्टिक पॉलीनोमियल्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा चीज समझाता हूँ, ध्यान देना, इस केस में आपको ध्यान क्या रखना है, इसमें एक्स प्लस बी में जो हाइएस्ट आपको वेरिएबल्स दिखाई दे रहा है इसके आगे जो यहाँ पे कॉन्स्टेंट है ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, है ना, ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। सिमिलरली यहाँ पे ये वाला ए जीरो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आपको ये वाला ए जीरो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ये वाला ए जीरो नहीं होना चाहिए। अगर इनकेस अगर ये जीरो हो जाएगा तो हमारा ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, है ना, जीरो होते अगर हम इसको मल्टीप्लाई करने जाए तो ये तो पूरा जीरो बन जाएगा, तो मुझे इसको बचा करके रखना है ना, तभी जाकर के वो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल रहेगा, नहीं तो क्या होगा कि इसको खत्म होते ही ये हमारा लीनियर पॉलीनोमियल बन जाएगा इसकी तरह, तो ये क्वाड्रेटिक बने रहे। इसीलिए हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि हमें इस लीडिंग कोएफिशिएंट को कभी भी जीरो नहीं होने देना है, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना। इसलिए इस क्वेश्चन में एक रेस्ट्रिक्शन ये होता है कि जो हाईएस्ट पावर है उसका जो कोएफिशिएंट है मतलब उसका जो गुणांक है वो कभी भी हमारा जीरो नहीं हो सकता है। बाकी ये जो ए और बी लिखा हुआ है, ए बी सी लिखा हुआ है, ए बी सी और डी लिखा हुआ है, या यहाँ पे ए बी सी डी और ई लिखा है, ये सभी सभी कोई ना कोई कॉन्स्टेंट होंगे, कोई ना कोई नंबर होगा और वो सभी के सभी रियल नंबर होंगे, ठीक है। तो आप इसको एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। यहां तक आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं है, है ना, चीजें आपको समझ में आ रहा है। अभी चूंकि चैप्टर में हम लोग को बात करना है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स के बारे में, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स अभी हम लोग देखेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर जैसे यहाँ पे कोई नंबर लिखा हुआ है ना, ए लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ए एक्स का पावर जीरो है ना, और एनीथिंग टू द पावर जीरो इज इक्वल टू वन होता है। अभी आप इसके जगह पे वन लिख सकते हो, है ना, और इस ए में वन से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ए मिलेगा, है ना। आप इसी को सिमिलरली ऐसे समझ सकते हो कि अगर मान लेते हैं सी लिखा हुआ है ना, तो सी का मतलब ये कॉन्स्टेंट हुआ, और कॉन्स्टेंट का मतलब कोई भी नंबर होता है ना, जैसे ये दो हो गया, है ना, तीन हो गया, पांच हो गया, कोई भी नंबर हो, चाहे प्लस का हो या माइनस का हो, है ना, या रूट के अंदर लिखा हो, ऐसा कोई भी नंबर अगर लिखा हो तो इन सब के पीछे जो है ना आपको ध्यान रखना होता है एक्स का पावर जीरो है, है ना। अभी आपको ध्यान है एक्स का पावर जीरो है, यहाँ भी एक्स का पावर जीरो है, एक्स का पावर जीरो, यहाँ भी एक्स का पावर जीरो है, यहाँ भी एक्स का पावर जीरो। इसलिए इन सब को हम लोग कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल्स। और जो भी कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल्स होते हैं इनका डिग्री जीरो होता है, क्या होता है, डिग्री जीरो होता है। तो कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल्स विद डिग्री जीरो, है ना, कोई भी कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल है, अगर ये नंबर लिखा हुआ है तो आपको दिख रहा है कि यहाँ एक्स का पावर जीरो है। तो अगर सिमिलरली अगर आपको लिखा हुआ मिल जाए, ऐसे पूछा जाए कि बताओ ये पॉलीनोमियल है या नहीं है, तो ये पॉलीनोमियल है और इसका डिग्री कितना है, और इसका डिग्री जीरो है, ठीक है, इसका डिग्री आपको जीरो है। तो ये कई बार आपसे पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे, यानी कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल्स हैविंग डिग्री जीरो। आई थिंक यहाँ भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, है ना। नेक्स्ट आते हैं, एक छोटी सी बात बता के मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे आप देखो, जैसे कि यहाँ पे हम लिखते हैं यहाँ पे जीरो, क्या जीरो कोई पॉलीनोमियल्स है, तो हाँ जीरो भी एक पॉलीनोमियल है। अब इसका डिग्री की बात करते हैं, है ना, यानी पॉलीनोमियल तो है ये बात आपको पता है, लेकिन इसका डिग्री आपको बताना है कि इसका डिग्री क्या क्या पॉसिबल है ना। तो अगर कोई भी पॉलीनोमियल है तो उसका डिग्री तो होता ही है, लेकिन यहाँ पे देखते हैं, अगर मैं जीरो लिख करके यहाँ पे मैं कुछ भी लिख दू, जैसे मैं अगर एक्स का पावर वन लिख दू,
अगर मैं जीरो लिख के यहाँ पे x का पावर 2 लिख दू, यहाँ पे जीरो लिख के x का पावर अगर मैं 3 लिख दू, है ना, जीरो लिख के x का पावर कुछ भी लिख दू, n लिख दू, मतलब कुछ भी, है ना। तो यहाँ पे आप देखो जरा ध्यान से, ये जीरो में अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तब भी जीरो है, यहाँ पे अगर जीरो मल्टीप्लाई करे तब भी जीरो है, यहाँ मल्टीप्लाई करे तब भी जीरो है, यहाँ मल्टीप्लाई करे तब भी जीरो, मतलब x का पावर 1 भी हो सकता है, x का पावर 2 भी हो सकता है, x का पावर 3 भी हो सकता है, ऐसे x का पावर कुछ भी हो सकता है ना, मतलब पॉजिटिव नंबर में वो कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप चाहो तो 0 इंटू एक्स का पावर, यहाँ पे अगर आप 0 रखते हो, है ना, तो ये एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, 1 में आप इससे मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा, बाकी किसी भी नंबर में अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर 0 है। इसका मतलब हुआ कि इसका डिग्री 0 भी पॉसिबल है, इसका डिग्री 1 भी पॉसिबल है, इसका डिग्री 2 भी पॉसिबल है, इसका डिग्री 3 भी पॉसिबल है, मतलब इसका डिग्री कुछ भी पॉसिबल है। तो आप इसलिए इसका कह सकते हैं कि इसका डिग्री जो है वो डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड कहने का मतलब हुआ कि बहुत सारा ऐसा डिग्री है, हम ये नहीं बोल सकते, अगर आप 2 बोलते हो तो मैं बोलता हूँ कि नहीं, अगर इसका डिग्री 3 है तब भी आपका आंसर गलत हो जाएगा, आप भी सही हो हम भी सही है ना, डिग्री तो सारे है इसके, तो इसका डिग्री एक सर्टेन नहीं है, तो इसलिए हम इसको क्या लिखते हैं, नॉट डिफाइंड लिखते हैं, है ना। आई थिंक यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप ये लिख सकते हो। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि जीरो भी एक तरह का पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री नॉट डिफाइंड होता है, अगर कोई कॉन्स्टेंट है यानी कोई भी नंबर है जैसे 1 तो हाँ ये एक पॉलिनोमियल है, 2 यस ये एक पॉलिनोमियल है, ऐसे कोई भी नंबर होंगे तो वो सभी के सभी कोई ना कोई पॉलिनोमियल होगा जिसका डिग्री कितना होगा, तो इसका डिग्री 0 होता है, ये आपको पता है ठीक है कि कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा, 0 होगा। बाकी जो पहला टाइप है वो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 1 होता है, देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 2 होता है, नेक्स्ट क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 3 होता है, नेक्स्ट क्वार्टिक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 4 होता है। तो ये जो हमारे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हो गए और किसका क्या डिग्री होता है ये हमने बात करा ठीक है। अगर आप वन शॉट में भी इस पूरे लेक्चर को देख लोगे तो आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे ठीक है, आपको ध्यान रखना है ना। अगर मैं बात करने जाऊं, चूंकि हमारा चैप्टर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है, तो मैं आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पहले बता रहा हूं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक अपना जनरल फॉर्म होगा और वो जनरल फॉर्म आपको याद रखना है, वो ए एक्स का स्क्वायर प्लस में बी एक्स और प्लस में सी इज इक्वल टू 0 होता है ठीक है, आप इसको ध्यान रखेंगे है ना। यहाँ पे आपको कंडीशंस क्या है कि ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए और ए बी और जो सी होना चाहिए, ए बी एंड सी ये हमारे कोई ना कोई रियल नंबर होना चाहिए, और एनी रियल नंबर, ये कोई भी हमारे रियल नंबर हो सकते हैं ठीक है। अब इसको क्या है, इसको हम लोग यहाँ पे दो तीन बात आपको ध्यान रखना है कि अगर ये क्वाड्रेटिक है तो इसका डिग्री आपको पता लगी गया कि डिग्री इसका 2 है, और आपको याद रखना है जितना डिग्री होता है उतना ही उस क्वेश्चन का आंसर होता है, सॉल्यूशन कह सकते हैं आप इसको, जीरो कह सकते हैं आप, है ना, आप चाहो तो इसको आंसर भी कह सकते हो ठीक है, आप चाहो तो इसको इसका रूट्स भी कह सकते हो। तो ये हम चारों बात बोलते हैं, है ना, कि इसके दो रूट्स होंगे या इसके दो आंसर होंगे, इसके जीरोस होंगे या इसके सॉल्यूशंस होंगे। अब जैसे इसी को हम लोग इसके एक सॉल्यूशंस को अल्फा कहते हैं, दूसरे सॉल्यूशंस को हम लोग बीटा कहते हैं, है ना, इसको हम लोग अल्फा कहेंगे और इसको हम लोग बीटा कहते हैं। तो ये आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। इसके अलावा क्वाड्रेटिक में हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे कि कैसे क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं, तो आप टाइप्स लिख सकते हैं हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ठीक है। यहाँ पे जैसे कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है ना, तो अभी मैंने बताया कि इसके दो सॉल्यूशन होंगे, एक अल्फा और एक बीटा। अगर मेथड्स पहले पता करना आपको कितने तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आपको सॉल्व करना है तो आप इसके लिए कौन कौन से मेथड्स का यूज करेंगे। सबसे पहले नंबर पे हम बात करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड का ठीक है, ये फैक्टराइजेशन मेथड की बात होगी। इसके अलावा हम बात करेंगे एक डिस्क्रिमिनेंट मेथड पढ़ेंगे हम लोग ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट मेथड, डिस्क्रिमिनेंट मेथड के बाद थर्ड नंबर पर पढ़ेंगे एक कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड, एक कंप्लीट स्क्वायर मेथड है उस मेथड के बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट चौथे नंबर पे
हम आपको कुछ ग्राफ्स दिखाएंगे और उस ग्राफिकल है ना मेथड की मदद से भी हम लोग सॉल्यूशन निकालना सीख सकते हैं। तो ये चार मेथड है जिसको हम लोग बेसिकली यहाँ पे बात करेंगे। एक फैक्टराइजेशन मेथड आपको आना चाहिए, फिर डिस्क्रिमिनेंट मेथड आना चाहिए, कंप्यूटिंग मेथड है और देन ग्राफिकल मेथड है, ठीक है। और इसी को हम लोग कई बार क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड भी कहते हैं। तो पहले हम कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको ये समझ आ जाए कि करना कैसे है। और इसमें इसके अलावा पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे आपको दो चीजें ध्यान क्या रखना है, एक अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो, तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि इसके दो जो जीरोस आते हैं है ना, दो जीरोस आते हैं, एक को हम अल्फा कहते हैं और दूसरे जीरोस को हम लोग बीटा कहते हैं, है ना। यहां से आपको एक दो रिलेशन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है और वो क्या है, तो वो हमारा रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है इनके जीरोस के बीच में और इनके कोफिशिएंट्स के बीच में एक रिलेशन होता है। अगर ये आप समझ गए तो आप बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस कर सकते हैं। जैसे हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी बाई ए होता है ना, इसको हम बोलते हैं सम ऑफ जीरोस। क्या बोलते हैं, ये सम ऑफ जीरोस होता है आपका, ठीक है। और अगर यहाँ पे इन दोनों का अगर प्रोडक्ट निकाला जाए तो जैसे ये माइनस बी बाई ए है उसी तरह से ये सी बाई ए होता है, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, है ना। अगर इसको देखा जाए तो ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है ना। कॉन्सेप्ट हम लोग जल्दी जल्दी रिवाइज कर देते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे और आसानी से इस चीजों को समझेंगे, है ना। इसके अलावा एक तीसरा बात है जो आपको ध्यान देना है, अगर हमें सम पता हो और प्रोडक्ट पता हो तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं, है ना। पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फिर मैं आपको बताता हूं। अगर मैं यहां से आपको बताऊं कि अगर अल्फा प्लस बीटा पता हो, ठीक है, ये अगर गिवन हो, ये आपको ध्यान रखना है, अगर ये गिवन हो अल्फा प्लस बीटा, या अगर आपको अल्फा इंटू बीटा गिवन हो, है ना, तो हम यहाँ पे रिक्वायर्ड इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है। वो इक्वेशन कैसे लिखते हैं वो आपको देखना है। रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगा, तो आपको याद रखना है एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे अब क्या करोगे, यहाँ पे ये अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स लिखोगे और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा लिखोगे। याद रखना ये प्लस माइनस और प्लस चलता है ना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू जीरो, ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया। अगर आपको सम ऑफ जीरोस पता हो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर आपको पता हो तो हम एक इक्वेशन भी लिख सकते हैं। आई थिंक यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, इसे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, है ना। आइए आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है अपने पास, है ना, आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं यहां से, ये वर्कशीट नंबर वन है, यहां पे क्वेश्चन से लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर वन, आपको ट्राई करना है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन है आपके पास एक्स का स्क्वायर प्लस में सेवन एक्स और प्लस में टेन इज इक्वल टू जीरो, और चार ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। वो ऑप्शन मैं लिख दे रहा हूं, एक दो तीन और चार, ये चार ऑप्शन में से कोई एक आपका आंसर है। इसमें टू एंड फाइव लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास माइनस टू एंड फाइव है, ठीक है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो माइनस टू एंड माइनस फाइव है, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज टू एंड माइनस फाइव, टू एंड माइनस का फाइव, इसको हम लोग देखते हैं, है ना, ये होगा कैसे। आपको क्या करना है, हम पहले फैक्टराइजेशन मेथड आपको सिखाते हैं, है ना। ये मिडिल वाले टर्म को आपको क्या करना होता है, दो पार्ट में से तोड़ना होता है और यहाँ ए इंटू सी करना होता है। अगर आप नहीं देखे तो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में ये लेक्चर पड़ा हुआ है कि कैसे हम फैक्टराइजेशन करते हैं, इसको देखें।
आपको पता है कि इस 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 into 2, और आपको पता है 5 और 2 दोनों मिलकर के 7 होता है। इधर भी आप x लिखेंगे, इधर भी x लिखेंगे, बीच में प्लस करेंगे, ये रहा x का स्क्वायर प्लस में, है ना, प्लस में ये 10 = 0 लिख सकते हैं, है ना। इन दोनों में से आप देखो एक जैसा कोई दिख रहा है क्या, इन दोनों में से अगर देखा जाए तो इसमें x है, x प्लस का 5 लिख सकते हैं, प्लस में इसमें 2 लिखेंगे, x प्लस का 5 रहेगा, है ना, = 0 कर सकते हैं। जैसा आपको ये दिख रहा है वैसे आपको ये दिख रहा है, तो आप इसको कॉमन कर सकते हैं, x प्लस में 5 और इंटू में x प्लस का 2 = 0 लिख सकते हैं ना। यहाँ से आप क्या करेंगे, एक बार x प्लस 5 को 0 करेंगे और एक बार x प्लस 2 को 0 करेंगे, एक बार इस बॉक्स को 0 करना है, एक बार इस बॉक्स को 0 करना है। यहाँ से आपको दिख रहा है x = -5 और यहाँ से दिख रहा है आपको x = -2, तो आपको पता चल गया कि एक बार x = -5 है एंड एक बार x = -2 है, तो -2 एंड -5 आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 होगा। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इफ अल्फा एंड बीटा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन क्या है, एक्स का स्क्वायर प्लस में एक्स लिखा हुआ है, प्लस में 1 लिखा है, = 0, देन आपको फाइंड करना है, देन फाइंड 1/α प्लस 1/β की वैल्यू आपको फाइंड करना है, ठीक है। और इसके लिए 4 ऑप्शन है, वो 4 ऑप्शन मैं आपको बता देता हूं, आप ये 4 ऑप्शन देख लो, ठीक है। इसके 4 ऑप्शन में 1, 2, 3 और ये 4, 4 ऑप्शन है, 0, 1, -1 मतलब आप दिस लिखा हुआ है, ठीक है, इन 4 ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन है, ठीक है, आप जरा देखो यहां से। अगर मैं बात करने जाऊं यहाँ पे, तो यहाँ पे इसने बोला है कि अल्फा एंड बीटा ये तो रूट्स है इसके, रूट्स का क्या मतलब होता है, जीरोस, मैंने बोला ना रूट्स बोलो, जीरोस बोलो, सॉल्यूशंस बोलो, आंसर्स बोलो, सभी बात बराबर है। तो अगर मैं क्या करूं कि अगर मैं इनके जगह पे इसमें अगर मैं अल्फा को पुट कर दूं और अगर मैं बीटा को पुट कर दूं, तो मैं तब भी मैं इस क्वेश्चन को कर सकता हूं। लेकिन सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप देखो जरा ध्यान से, हम ना इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व क्या करना है, 1/α है और प्लस में 1/β है, आपको पता है इसको अगर मैं इनका एलसीएम लूंगा तो अल्फा इंटू बीटा आएगा, ऊपर में एक बार बीटा प्लस में अल्फा आ जाएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, अल्फा प्लस बीटा, कोई दिक्कत नहीं, पहले बीटा आएगा फिर अल्फा आएगा, पर दो चीज को ऐड करना हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और आपको ये दिख गया कि ये सम ऑफ जीरोस लिखा हुआ है और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिखा हुआ है, तो अगर मैं इधर से अल्फा प्लस बीटा निकालू, सबको पता है -b/a होता है, इधर आपको पता है ना इधर a होता है, इधर b होता है, तो इधर भी 1 और इधर भी 1, इसका मतलब बी के जगह पर भी 1 और ए के जगह पर भी 1, तो ये -1/1 कितना होता है, ये 1 होता है ना, इसमें कोई डाउट नहीं, ये माइनस है तो ये माइनस आप इसमें लिख लेंगे, मतलब -b/a बोले तो माइनस का 1 आ गया। अगर आप अल्फा इंटू बीटा लिखने जाओगे तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, ये c/a होता है। आपको c कितना दिख रहा है इस क्वेश्चन में, c अगर देखा जाए इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अच्छा प्लस का 1 लिखा हुआ है, यहाँ प्लस का 1 लिखा हुआ है ना, क्वेश्चन में तो 1 स्क्रीन था, ठीक है। अब यहाँ से हमें c/a करना है, c के जगह पे आपको 1 दिख रहा है और a के जगह पे भी आपको 1 दिख रहा है, तो ये भी आपको 1 आ गया, ठीक है। अब मुझे ना इसको सॉल्व करना है, तो देखो अल्फा प्लस बीटा के जगह पे हमको क्या रखेंगे, ऊपर में -1 और नीचे अल्फा इंटू बीटा के जगह पे क्या रखेंगे, 1, तो -1/1 कितना 1 होता है, ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर बी है ना, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, ये रहा आपका करेक्ट करेक्ट आंसर, है ना, ये -1 है ना, -1/1, तो ये रहा -1, ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज, ये क्वेश्चन करते हैं लोग। यहां पे लिखा है कि x का स्क्वायर प्लस में 4x और प्लस में k = 0, और इसमें लिखा हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, हैज रियल एंड
डिस्टिंक्ट रूट, डिस्टिंक्ट रूट्स। अच्छा ये जो डिस्टिंक्ट है इसका मतलब ये हुआ कि इनके जो रूट्स हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है। अलग अलग कहने का क्या मतलब होता है, ये अभी आपको सब धीरे धीरे समझ आ गया। ये अगर अल्फा है तो ये हमारा बीटा है, ठीक है, और ये दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, है ना। मतलब कई बार होता है क्वेश्चन को सोल्व करा एक्स के लिए, यहाँ भी आपको दो आ गई, यहाँ भी दो आ गई, लेकिन यहाँ दो है तो ये तीन है, आपको ध्यान रखना है। लेकिन हाँ रियल रूट्स है, पूरे चैप्टर में भी आपके रियल रूट्स ही आएंगे। आपसे पूछा है कि आप बताओ देन के लिए वैल्यू क्या होगा, के लिए क्या होगा, तो देखो रियल रूट्स का मतलब हुआ कि एक बात तो मुझे पता है कि डी जो है वो हमारा पक्का क्या है, रियल रूट्स का मतलब ये, तो डी या तो मेरा जीरो है या जीरो से बड़ा है। लेकिन डी इज इक्वल टू जीरो पे हमारे रूट्स इक्वल होते हैं, लेकिन ये अलग अलग रूट्स है, तो क्या क्या पॉसिबल है उसे बात करते हैं। पहले मैं डी इज इक्वल टू जीरो कर लेता हूँ, है ना, डी इज इक्वल टू जीरो कर लेने से पता चल जाएगा कि हमारा रूट्स रियल है। तो बी स्क्वायर माइनस फोर एसी का करने जाते हो तो यार आप बी बी स्क्वायर माइनस फोर एसी हमारा फॉर्मूला होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर एसी, ठीक है। ये डी की वैल्यू या तो बड़ी होगी या जीरो के बराबर होगी, तो आप चाहो तो इनइक्वालिटी से भी सॉल्व कर सकते हो, डी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, बी स्क्वायर माइनस फोर एसी जो होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा। इस तरीके से बी के जगह पर हम चाहें तो पुट कर सकते हैं फोर का स्क्वायर, है ना, माइनस में फोर लिख सकते हैं, ए के जगह पर हमको वन लिख सकते हैं, सी के जगह पर हमको के लिख सकते हैं, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा। यहाँ पे ये 16 हो गया, माइनस का ये 4k है और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अगर मैं क्या करूँ यहाँ पे, अगर यहाँ से हम लोग क्या करते हैं इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, जैसे अभी आपको कोई इनइक्वालिटी नहीं आता, आप इसको इक्वालिटी की तरह सॉल्व करोगे, तो आप 16 माइनस का 4k बराबर आप जीरो लिखोगे। यहाँ से हम 4k को उधर भेज देते हैं रेट से, तो ये 4k इधर आ जाएगा और ये 16 हमारे पास इधर आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं इसको 4 से अगर कट करने जाऊंगा तो ये k की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, k की वैल्यू 4 आ जाएगी। लेकिन अभी आपको पता नहीं इनको भी आप इनइक्वालिटी से रिप्लेस करोगे तो ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना आ रहा है, मतलब क्या है, के जो है वो या तो 4 हो सकता है या 4 से छोटा हो सकता है। तो ये वाला ऑप्शन देख लो कि आपके पास ऑप्शंस क्या क्या रहता है, 1, 2, 3 और 4, ये चार ऑप्शंस है ना, इन चार ऑप्शंस में से आपको एक ऑप्शन बताना है। जैसे क्वेश्चंस है कि के की जो वैल्यू है वो 4 से छोटी है, या के की वैल्यू जो है वो 4 से बड़ी है, तीसरे नंबर पे है के की वैल्यू जो है वो 4 से बड़ा है या बराबर है, और के की वैल्यू देखा जाता है यहाँ पे 4 से क्या है छोटी है, एक मिनट, ये वाला ऑप्शन आपका चौथे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे जो आपका ऑप्शन है वो इधर की तरफ मुंह खुला हुआ है 4 है, और ये वाला हमारे इधर की तरफ, तो आप इसको देख लो ये वाला हमारा ऑप्शन कहाँ पर, मतलब 4 वाला साइड मुंह खुला हुआ है, मतलब ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से है ना, हम लोग को काफी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप यहाँ तक पहले करके आना। वर्कशीट नंबर 1 का अगर मैं आंसर आपको बताऊं तो आई थिंक शायद यहाँ पे आंसर नहीं दिया होगा, आप एक बार देख लेना, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, तो प्रैक्टिस करेंगे आप, ठीक है। होप आपको यहाँ तक चीजें समझ आओ। गुड डे, नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, थैंक यू।